नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पार्किंसन डिजीज के साइंस सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्किंसन डिजीज दिमाग की एक न्यूरोडिजनरेटिव कंडीशन है जो कि धीरे धीरे विकसित होता है। ये बीमारी ब्रेन सेल्स के स्तर पर ही होती है, खासकर उस जगह पर जहाँ पर सब्सटेंसिया निग्रा होता है, जो कि शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पार्किंसन डिजीज में सब्सटेंसिया निग्रा में न्यूरॉन्स उभरने लगते हैं और डोपामाइन नाम के केमिकल का बनना कम या बंद हो जाता है। यह भी एक जरूरी केमिकल होता है जो कि शारीरिक गतिविधियों और दिमाग के बीच नियंत्रण को बनाए रखता है। पार्किंसन डिजीज में सब्सटेंसिया निग्रा में न्यूरॉन्स उभरने लगते हैं और डोपामाइन नाम के केमिकल का बनना बंद या कम हो जाता है। यह भी एक जरूरी केमिकल है जो कि शारीरिक गतिविधियों और दिमाग के बीच नियंत्रित करता है। अब हम पार्किंसन डिजीज के लक्षणों के बारे में जानते हैं। पार्किंसन रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, यानी कि नंबर वन, जैसे कि कंपन, यानी कि आराम की स्थिति में भी रोगी को कभी कभी हाथ में कंपन होने लगती है, कभी कभी हाथ के उंगलियों में कंपन होने लगती है, कभी सिर में कंपन होने लगती है, उसकी रोगी की लिखावट में परिवर्तन हो जाता है, पूरे शरीर में भी कंपन हो सकता है, आवाज़ में परिवर्तन आने लगता है, कठोर मसल्स हो जाती हैं और शरीर में जो है असंतुलन हो जाता है। रोगी को चलते समय कंपन महसूस होता है, रोगी का कभी कभी सारा शरीर ही कांपने लगता है। ये पार्किंसन रोग के लक्षण हैं। अब हम पार्किंसन डिजीज के कारणों के बारे में जानते हैं। यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होता है। कुछ जहरीले पदार्थों के सेवन के कारण भी पार्किंसन रोग हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ या 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह रोग हो सकता है। हेड में इंजरी के कारण, यानी कि सिर पर चोट लगने के कारण भी यह रोग हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन के कारण भी यह रोग हो सकता है। मेटालिक पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है और कुछ ड्रग्स जैसे कि रिजरपाइन और फेनोथियाजाइन के कारण भी यह रोग हो सकता है। अब हम इसके आयुर्वेदिक चिकित्सा के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। निदान परिवर्जन, सबसे पहले जिन कारणों से यह रोग होता है उनको उन कारणों का त्याग करना चाहिए। दूसरा, पत्रपिंड स्वेदन, यानी कि रोगी को पत्रपिंड से स्वेद करना चाहिए, रोगी को व्यायाम करना चाहिए। अब हम इसकी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। कोचपाक 15 ग्राम की मात्रा दुग्ध के साथ सुबह शाम सेवन करनी चाहिए। भोजन के बाद में नारसिंह चूर्ण और अग्नितुंडी वट्टी, नारसिंह चूर्ण 2 ग्राम और अग्नितुंडी वट्टी 250 ग्राम की मात्रा सुबह शाम खाने के बाद सेवन करनी चाहिए। रोगी को बुलारिस्ट संभाग पानी मिलाकर, यानी कि समान मात्रा में पानी मिलाकर 20 ml सुबह शाम सेवन करना चाहिए। रोगी को असवशिला कैप्सूल 2-2 कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने चाहिए। रोगी को मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ खाने के बाद सेवन करने चाहिए। रोगी को त्रोदसांग गुल की 1-1 गोली सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम सेवन करने चाहिए। रोगी को हरित की चूर्ण रात्रि में सोते समय गुनगुने जल के साथ एक समय सेवन करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।